आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। आखिरकार यस बैंक ने नया इतिहास रच ही दिया, आज नई हाई बन गई। और जो बात मैं लगातार आपको कई समय से समझा रहा था, वो बात आज बिल्कुल सच साबित हुई। काफ़ी बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस जो लगातार सेल के टारगेट दे रहे थे, लोगों को बहुत ज़्यादा मिसगाइड किया। एक तरह से देखें तो उनके आसे सारे के सारे जो शेयर थे वो बड़े फंड हाउस ने ले लिए। और उस समय मैं लगातार जब कह रहा था, लोग समझने को तैयार नहीं थे कि इसमें तेज़ी बनी सकती है। काफ़ी लोग तो लगातार मजाक उड़ा रहे थे कि कभी भी यस बैंक का स्टॉक 12-13 को क्रॉस करेगा ही नहीं। अब आप देख सकते हो कि आज इसने नई हाई बनाई और जिस तरह से ये अपनी लगातार तेजी के साथ स्टॉक आगे बढ़ रहा है, आने वाले समय में ये कई नए कीर्तिमान स्थापित कर सकता है। आज बहुत सारी नई अपडेट निकल के आ रही है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। यहाँ पे यस बैंक के बोर्ड में अब दो नए और नॉमिनी मेंबर बन सकते हैं, वो कौन होंगे उसको भी डिस्कस करेंगे। दूसरी तरफ कोटक सिक्योरिटीज की तरफ से एक बयान दिया गया, उस बयान को भी डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या अब यस बैंक में अच्छे दिन की शुरुआत हो गई है, क्या वाकई में यस बैंक इस बार 20 को क्रॉस करेगा और तेजी से आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है। कुछ लोग थे जो विश्वास के साथ बैठे रहे, लगातार कह रहे थे कि सर हमको भरोसा है यस बैंक में, आज उनका भरोसा जीत गया। और काफ़ी लोग जो लगातार इसमें उन सेल के टारगेट से डर गए थे, वो लॉस बुक किए थे, वो आज बहुत ज़्यादा टेंशन में होंगे, उनको अब लग रहा होगा कि हम फंस गए। तो ये बात आपको मैंने लगातार बोली थी और इसके लिए बोली थी क्योंकि कोई हवाई बात नहीं थी। जिस तरह से यस बैंक का मैनेजमेंट लगातार कोशिश कर रहा था, वो मुझे समझ में आ रहा था कि दिख रहा था कि ये मैनेजमेंट की जो कोशिश है एक दिन रंग लाएगी, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। आप देख सकते हो कि यस बैंक में निवेश करने के लिए कतार लगी हुई है, उसका NPA लेने के लिए भी बहुत सारे लोग खड़े हैं। जल्द से जल्द NPA प्री हो सकती है बैंक और फिर नई शुरुआत भी कर सकती है। तो बहुत सारी बातें जिनको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस समय भी निवेश किया जा सकता है या फिर इतनी बड़ी तेजी के बाद अब गिरावट लाजमी है। तो सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के ट्रेडिंग को डिस्कस करेंगे। स्टॉक ओपन हुआ 15.40 पर, लो बना 15.20 का और हाई है 17.90 का। यस दोस्तों, बिल्कुल 18 को टच करके आज नीचे आया। क्लोजिंग है वो 17.15 पर है, जहाँ पर 12.46% की ज़बरदस्त हमें तेज़ी देखने को मिली। तो ये आप देख सकते हो कि आज बहुत ही बड़ा उछाल था, सिर्फ प्राइस में नहीं बल्कि वॉल्यूम में भी बहुत ही ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ है। आज इसने काफ़ी रिकॉर्ड तोड़े अपने पुराने वॉल्यूम को। देखें आज तो BSE में 10.37 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, सामने 3.83 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। डिलीवरी का परसेंटेज 36.94%। बात अगर NSE की करें, 90.52 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, सामने 28.61 लाख 86,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 31.61%। आप देख सकते हो इस वॉल्यूम के मामले में दूसरे सारे शेयर बहुत पीछे रह गए, ये आज रिकॉर्ड ब्रेक इसने वॉल्यूम बताया। आप देख सकते हो इसके वॉल्यूम को, पिछले एक महीने पहले इसका 12 करोड़ का वॉल्यूम था, वन वीक पहले 23 करोड़ का वॉल्यूम था और कल इसका 35 करोड़ का वॉल्यूम था, आज 109 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त। और अब लोगों को समझ में आने लगा है कि स्टॉक बहुत तेज़ी से आगे भाग सकता है और इसीलिए लोग अब यहाँ पे दौड़ लगाने लगे खरीदारी करने के लिए। और जब प्राइस के नीचे थी तब कोई खरीदने को तैयार नहीं था, जबकि मैंने उस समय खरीदारी की सलाह दी थी 12-13 के आसपास। मैंने लगातार बोला था कि आप जितना हो सके खरीदारी कर लो, काफ़ी लोगों ने उस बात को समझा, सीरियसली लिया और खरीदारी भी की, उसको बहुत ही बेहतरीन रिटर्न मिल रहा है। आप देख सकते हो कि स्टॉक आज 18 तक पहुँच गया कम समय में। आप देख सकते हो कि सिर्फ किसी ने 1-1.5 महीने पहले अगर निवेश किया होगा तो उसको कितना ज़बरदस्त रिटर्न मिल रहा है। यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 10.50 52 वीक का लो, 17.90 52 वीक का हाई है जो इसने आज रिसेंटली बना दिया और क्लोजिंग 17.15 पर रही। अगर हम बाजार की बात करें तो निफ्टी 50 आज 17,295 के स्तर पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे हमें 0.26% की गिरावट देखने को मिली। बाजार में आज नरमी थी, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई। और निफ्टी बैंक की बात करें तो 37,877 के स्तर पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे हमें 0.07% की गिरावट देखने को मिली। निफ्टी PSU बैंक की अगर बात करें तो 2,896 के स्तर पर 2.30% की तेजी थी। तो आज सरकारी बैंकों में अच्छी खासी तेजी थी लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आज दबाव था। निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें तो 19,256 के स्तर पर 0.01% की गिरावट थी। तो आप देख सकते हो कि सरकारी बैंकों में तो तेजी थी अच्छी खासी लेकिन प्राइवेट बैंकों में गिरावट थी, उसके बावजूद भी यस बैंक अकेला अपने न्यूज़ के दम पे आज बाजार में दौड़ता रहा। अगर हम इसके रिटर्न को दूसरे बैंकों से कंपेयर करें
तो आप समझ सकते हो कि पिछले एक महीने में इसने 35.81% का बंपर रिटर्न दिया है, जबकि इस दौरान HDFC बैंक ने 5% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 6% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, बंधन बैंक ने भी 6% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, धनलक्ष्मी बैंक ने 7.56% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, साउथ इंडियन बैंक ने 8% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, और CSB बैंक ने 8.73% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, और फिनो पेमेंट ने 9.34% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, कर्नाटका बैंक ने 10.97% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, कोटक महिंद्रा बैंक ने 12% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, और DCB बैंक ने 12.36% का पॉजिटिव रिटर्न, एक्सिस बैंक ने 13% का पॉजिटिव रिटर्न। तो ये आप देख सकते हो कि किसी भी बैंक का हाईएस्ट जो रिटर्न है वो एक्सिस बैंक का 13% का है, और यहाँ पे यस बैंक ने 35% का बंपर रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हो कि पूरी तरह से विनर बन के उभरी है यस बैंक, और काफ़ी लोग इस बात को कभी हजम ही नहीं कर पा रहे थे कि यस बैंक में ऐसी कभी तेजी बन भी सकती है। आप देख सकते हो कि आज की बात करें तो लगभग सभी बैंक धराशायी हुई, यहाँ पे सिर्फ आप देखोगे तो यस बैंक ही आज पूरे बाजार में विनर है। उसके अलावा आप देख सकते हो तो सूर्योदय फाइनेंस बैंक में 2.7% की मामूली तेजी है, कर्नाटका बैंक में 0.28% की तेजी है, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक में 0.67% की तेजी, और उज्जवनी फाइनेंस में 0.96% की तेजी। तो दूसरे बैंकों में कहीं पर भी आपको 1% से ज़्यादा की तेजी दिखाई नहीं देगी, लेकिन यस बैंक ने कमाल कर दिया, और क्यों ना हो, यस बैंक ने जो चाहा था वो बिल्कुल हो गया है। अब यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है उसके हिसाब से यस बैंक के जो बोर्ड मेंबर है उनमें 2 नए सदस्यों की एंट्री होने जा रही है। एक होंगे सुनील कौल, जो होंगे कार्लाइल इंटरनेशनल की तरफ से, दूसरी तरफ से एडवेंट इंटरनेशनल की तरफ से श्वेता जालान एंट्री कर सकते हैं। इन दोनों को वहाँ पे सदस्यों को वहाँ पे जगह दी जाएगी। अब आने वाले समय में उनके निर्णय भी लिए जाएंगे, उनकी बातें भी सुनी जाएगी। तो एक तरह से आप देख सकते हो कि यस बैंक मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है, क्योंकि ये सिर्फ निवेश नहीं आए बल्कि 2 नए पार्टनर मिले यस बैंक को, जो आने वाले समय में यस बैंक को कई ऊंचाइयों पर लेके जा सकते हैं। और ऐसे में समझ सकते हो कि ये छोटा सा पेनी स्टॉक है, ये कई गुना बढ़ सकता है। दूसरी तरफ यहाँ पे जो इक्विटी पार्टनर ये बने हैं तो आने वाले समय में इनको इसके बदले में इक्विटी दी जा रही है, और इस तरह से आने वाले समय ये निवेश वापस निकलने की संभावना भी बहुत कम हो जाती है। लेकिन जो दूसरी एक और अपडेट निकल के आ रही है उसके हिसाब से HDFC बैंक की तरह उनके पूर्व MD आदित्य पुरी वो भी यस बैंक के बोर्ड सदस्य बन सकते हैं, और वो कार्यालय की तरफ से जगह ले सकते हैं। तो एक तरफ आप देखो तो सुनील कौल की बात चल रही है, लेकिन कुछ दूसरी मीडिया रिपोर्ट जो निकल के आ रही है वो आदित्य पुरी की भी बात कर रहे हैं, जो ऑलरेडी पहले HDFC बैंक के MD थे। तो हो सकता है कि इन दोनों में से किसका जो डिसीजन है वो फाइनल होगा, लेकिन ये बात तो फाइनल हो चुकी है कि 2 नए मेंबर आएंगे दोनों कंपनियों की तरफ से, और आने वाले समय में यस बैंक को ये ज्वाइन करने वाले। तो अच्छे दिन की शुरुआत हो चुकी है यस बैंक के। इससे पहले अगर आपने देखे तो यस बैंक की तरफ से कहा गया है कि नए कैपिटल से यस बैंक की कैपिटल एडिक्वेसी और बढ़ जाएगी। इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद ये इंडिया का सबसे बड़ा निवेश होगा प्राइवेट सेक्टर की बैंकों के अंदर, यानी एक तरह से ये एक और नया इतिहास बनेगा यस बैंक की तरफ से। तो आप देख सकते हो कि एक विश्वास जगने वाला है यस बैंक के प्रति लोगों का, और जिस तरह से निवेश किया जा रहा है और एक इक्विटी पार्टनरशिप ली जा रही है, आने वाले समय में बहुत सारे निवेशक और आकर्षित होंगे यस बैंक की तरफ। तो एक बहुत ही बड़ा ये पॉजिटिव स्टेप है। लेकिन इसके बीच में कोटक सिक्योरिटीज की तरफ से जो बयान निकल कर आया है उसको भी देखें। उनके जो एनालिस्ट है उनका कहना है कि ये जो घटनाक्रम है ये सकारात्मक है, लेकिन निवेश से पहले थोड़ा विचार करना होगा। ब्रोकरेज फर्म ने कहा है कि लगभग सभी मिड टीयर बैंक एक जैसी ही स्थिति में है, हर बैंक अपनी एसेट क्वालिटी की चुनौतियों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। कोविड के चलते बट्टे खाते की चुनौतियों से जूझ रहा है, यानी काफ़ी बैंकों को काफ़ी परेशान हुई, इस लेवल की जितनी बैंक है वो सारी परेशान है। लेकिन अब आने वाले समय में क्या पॉजिटिव बातें होगी वो देखना होगा, लेकिन उनका कहना है कि थोड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार आपको विचार करना चाहिए। तो कुल मिला के अभी भी थोड़ा सा डाउट है कोटक को, लेकिन एक तरह से अगर आप देखें तो अब वो यस बैंक नहीं रही है जो पहले थी। जिस तरह से यहाँ पे लगातार निवेश आ रहा है, आप ये देख सकते हो कि आने वाले समय में यहाँ पे जो निवेश आ रहा है वो लगातार बढ़ता रहेगा। और यस बैंक फिलहाल आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोई प्रमोटर नहीं है, तो आने वाले समय में यहाँ पे बहुत कुछ और बदलता हुआ दिखाई दे सकता है। कोई बड़े ग्रुप यहाँ पे आ भी सकते हैं, जिस तरह से यस बैंक अपने NPA से पूरी तरह से निजात पाने वाली है, ये यस बैंक का एक गोल्डन पीरियड शुरू होने वाला है। और ये मौका है आपके पास भी कि छोटे से पेनी स्टॉक में दाव लगाए, आने वाले समय आपका निवेश कई गुना बढ़ सकता है। और ये बात मैंने आज नहीं बोली है, लगातार बोली है। काफ़ी लोग हैं जो मेरी बात को मानते नहीं थे, लगातार निगेटिव कमेंट भी करते थे, लेकिन उस बातों को मैंने कभी भी सीरियसली लिया ही नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है यस बैंक एक दिन अच्छा करके दिखाई और बिल्कुल वैसा ही हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि लगातार यस बैंक दौड़ेगा, काफ़ी अच्छी तेजी बनी है, प्रॉफिट बुकिंग भी आती रहेगी। तो उसमें अगर आपका नजरिया शॉर्ट टर्म का तो आप भी थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते रहे, नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो बिल्कुल बने रहे। और वैसे भी मैंने कहा कि यस बैंक में सिर्फ लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके ही आप निवेश करें, ये आपको मालामाल कर देगा। आज के
पिवट लेवल को चेक करें तो गिरावट में 14.73 का फर्स्ट सपोर्ट रहेगा, और नीचे स्टॉक जाएगा तो फिर 14.22 तक जा सकता है, और स्टॉक नीचे चला गया तो फिर 13.68 तक जा सकता है। इतना नीचे जाने की फिलहाल संभावना नहीं दिख रही है कि स्टॉक काफी ऊपर चला गया है। पॉजिटिव माहौल बने पे 15.78 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है। 16.32 का सेकेंड रेजिस्टेंस, ये भी सक्सेसफुली ब्रेक हो चुका है, और तीसरा 16.83 का है, इसको भी ब्रेक करके स्टॉक बहुत ऊपर की ओर चला गया है। तो ऐसे में अब यहाँ तक नीचे आने की संभावना काफ़ी कम है। ये बात जरूर है कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग होगी, लेकिन अब वो आप अगर सोचते हो कि 12-13 की रेंज वापस आएगी तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 14.78 की प्राइस से तो इनके वारंट जारी किए गए। इसका मतलब ये है कि अब इसकी एक बेस प्राइस बन चुकी है 15 की। तो बिल्कुल निवेश को बनाए रखें, आने वाले समय आपको डेफिनेटली बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलेगा, ये वाकई में आपके लिए एक मल्टीबैगर साबित हो सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से